फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो वो रहने वाली है छोटे वाले प्रोजेक्टर लाइट के ऊपर, जो कि लगती है हमारी बाइक की बैक लाइट के में। गाइस, अब मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से रहता है और ये छोटा प्रोजेक्टर है। इसके दो कलर है, एक रेड और ब्लू, और कैसे चलता है ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी मैं इसको अपनी बाइक में लगाता हूं, देन उसके बाद मैं अभी आपको आगे दिखाता हूं। इसको हम लगाते हैं अपनी बाइक में, तो चलिए सीधे जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मिनी प्रोजेक्टर और इसको मैंने अमेजोन से बाय किया था, तो इसको भी खोल के देखते हैं। सुबह कुछ इस टाइप का जो है ये मिनी प्रोजेक्टर आता है और यहाँ पर लिखा हुआ है एलईडी। तो यहाँ पर अभी कुछ खास है नहीं, यहाँ पर कलर का आप देख सकते हो रेड ब्लू है, तो इसको भी ओपन करते हैं। सुबह कुछ इस टाइप से जो है मिनी प्रोजेक्टर मिलेगा, तो इसको अभी जो है मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा और फिर आपको चला के दिखाऊंगा। तो गाइज़, इसको जो है लगाना काफ़ी सिंपल है, बस आपको जो है इसको जो पुराना वाला बल्ब है उसको निकाल के इसको प्लेस कर देना है, और यहाँ पर जो है जो पीछे वाली जो बैक लाइट होती है उसका कलर रेड होता है, तो ये वाइट डालनी पड़ेगी आपको स्प्लेंडर में। बाकी इसको मैं लगाता हूँ पहले, देन उसके बाद आपको इसके कनेक्शन दिखाता हूँ। सुबह यहाँ पर अभी मैं कनेक्शन की बात करूँ तो मेरी जो आगे वाली हेडलाइट है वो हैलोजन है और स्टार्ट करने पे ही चलती है, तो इसके लिए मुझे इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल तीन वायर है, तो भाई यहाँ पर जो है टोटल तीन वायर है। ये बैक लाइट की वायर है जो जिसमें बीच में येलो की पट्टी है, और ये बैटरी पर ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो ब्राउन वाली वायर है ये इंजन स्टार्ट होने पे चलती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्राउन वाली वायर है इसकी पिन को निकाल के ये जो ब्राउन वायर का कनेक्शन है मुझे ये ब्लैक वायर से करना पड़ेगा, ताकि जब चाबी ऑन करूँ तो तभी उसको जो है बैटरी से डायरेक्ट चले वो। तो यहाँ पर जो है फ्लैशर में एक ब्लैक कलर की वायर है, तो ये ब्लैक कलर की वायर को मैं सीधा जंप करूँगा ये ब्राउन कलर की वायर में। हेडलाइट जो है वो इंजन पे चलती है, तो ब्राउन वायर को मैंने निकाल के जो ब्राउन वायर का यहाँ से कनेक्शन है वो सीधा जो है इसके फ्लैशर के साथ किया, उसकी ब्लैक वायर के साथ, जो कि चाबी ऑन होने पे ही चलेगी। तो जैसे मैं चाबी को ऑन करूँगा तो बैकलाइट चलेगी। तो चलिए गाइस, अभी विदाउट ग्लास इसको लगाए हुए पहले यहाँ पर इसको ऐसे चला के देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था ये डायरेक्ट चलेगा, तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चलिए गाइस, अभी मैं इसकी ब्रेक दबाता हूँ। सुबह से आप देख सकते हैं ये दिन में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो रात को जो इसकी अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छी होगी, तो रात का भी मैं आपको शॉट दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका ये वाला जो ग्लास है इसको रिप्लेस कर देता हूँ वाइट वाले से। तो गाइस, अभी टोटल काम कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं जो है इसको आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चाबी ऑन करने पे इसका जो है नॉर्मल जो प्रोजेक्टर है कुछ इस टाइप से चलेगा। तो गाइस, अभी मैं आपको जो है ब्रेक प्रेस करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है ब्रेक प्रेस कर दिए मैंने, और गाइस आप देखते हैं ये स्टॉप कुछ इस टाइप से चलेगा। तो गाइस, बाकी मैं अभी आपको जो है रात का शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस, आप देखते हैं रात को कुछ इस टाइप से चलेगा, और इसका मैं अभी जो आपको स्टॉप भी चला के दिखाता हूँ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आके इसको जो है परचेज कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।